सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सब यूज़ करने वाले हैं पीसिम। तो हम लोग सब आज ऑब्जर्व करेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएल सर्किट यूजिंग पीसिम। तो इसमें मैंने टॉपिक कवर किया है, वो है कैसे हम लोग सब एक सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं यूजिंग पीसिम। उसके बाद हम लोग सब ग्राफ देखेंगे क्या होता है, कैसे बनता है और उसको सिमुलेट किस तरह से किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग सब देखने वाले हैं क्या होता है टाइम कांस्टेंट और उसके कारण ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हम लोग सब बनाएंगे पीसिम पे और हम लोग उसको सिमुलेट करके देखेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पीसिम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल में जाना है और एक न्यू हमें क्लिक करके एक फाइल को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि सारे बॉक्सेस को देखना है। देखिए सबसे पहला यहाँ पर ये जो है ये न्यू फाइल के लिए है, ये ओपन फाइल के लिए, ये सेव के लिए है, ये प्रिंट के लिए है, ये कट के लिए है। उसी तरह से सारा इसमें भरा हुआ है, आप लोग सब इसको देख सकते हो। हमारे ज़रूरी का काम का चीज़ है ये एक वायर। यहाँ पर देखिए जहाँ पे मैं क्रसर को रखा हुआ हूँ वो हो गया वायर। अब नीचे हम लोग सब आते हैं लेफ़्ट साइड, तो सबसे नीचे लेफ़्ट साइड तो वहाँ पे आप लोग सब देख रहे हैं ये ग्राउंड हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर पूरा भरा हुआ है आपके पास एलिमेंट्स, और बहुत सारे आप एलिमेंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पावर एलिमेंट्स चाहिए तो यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, कंट्रोल के लिए चाहिए तो वो भी है, अदर्स चाहिए तो वो भी है, सोर्सेस भी हमारे पास, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सारे तरह के सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर सिमुलेट है, सिमुलेशन कंट्रोल लगा सकते हैं, रन सिमुलेशन, हम लोग सब सिमुलेशन को रन करवा सकते हैं, सिम व्यू देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब स्टार्ट करते हैं आरएल सर्किट को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक डीसी सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर ये डीसी सप्लाई है, ये यहाँ पर डीसी सप्लाई, इसको हम लोग सब एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये हमारे को डीसी सप्लाई मिल गया। तो इसको हम लोग सब कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है, और ये हमारा डीसी सप्लाई रखा गया। तो हम लोग सब इसको देखने के लिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अच्छे से देखने के लिए, ठीक है, तो आप लोग आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब एस्केप दबा दीजिएगा तो ये हट जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग सब एक रेसिस्टर लेंगे और रेसिस्टर को प्लेस कर देंगे, ठीक है, उसी तरह से फिर एस्केप दबाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सब एक इंडक्टर लेंगे, ठीक है। अब इंडक्टर को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए माउस में, तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग सब इसको भी प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सब आर लगा दिए, एल लगा दिए, सप्लाई वोल्टेज भी लगा दिए, हम लोग को देखना क्या है, करंट। तो हम लोग सब करंट देखने के लिए क्या करेंगे, एक करंट प्रोब लगाएंगे। तो हम लोग सब करंट प्रोब को लिए, इसको हमको क्लिक करके रोटेट करके कुछ इस तरह से यहाँ पे रखती है, ठीक है। अब ये अभी ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ये पूरा सर्किट ज्वाइन नहीं है, तो इसको हम लोग सब वायर के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। ये रहा वायर, इसको हम लोग सब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिए, इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिए, इसको भी हम लोग सब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिए, इसको भी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इसके दबाएंगे ये हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सब हर एक एलिमेंट पर डबल क्लिक करेंगे और उसका वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज पे क्लिक किए, ठीक है। अब इसका नेम है VDC1, ठीक है, डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले के क्लिक कीजिए, और उसका एम्पलीट्यूड है 100, इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसको पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब रेसिस्टर का वैल्यू डालना है, ठीक है, R1, ठीक है, इसको भी डिस्प्ले करवा देना है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या, 12 ओम, इसको भी डिस्प्ले करवा दिए।
उसी तरह से हम लोग सब इंडक्टर के केस में, इंडक्टर में वैल्यू हम लोग सब डाल देते हैं 10 मिली, ठीक है, इसको भी डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सब डिस्प्ले करवा दिए। और हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, सिमुलेट करना है। तो सिमुलेट में जाएंगे, सिमुलेशन कंट्रोल में जाएंगे और हम लोग सब एक कंट्रोल पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमको चलाना सर्किट को कितना देरी तक है वो देखना है, ठीक है। स्टेप साइज जो है वो वैसे ही रहने देंगे, फ्री रन नहीं करवाएंगे, नहीं तो ये सिमुलेट होता रहेगा और हमारा पीसीएम हैंग कर जाएगा। तो टोटल टाइम हम लोग सब यहाँ पर कितना डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग सब, हाँ, 0.1 डाल देते हैं, ठीक है। 0.1 डाल करके हम लोग सब चेक करेंगे कि क्या होगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो अब हम लोग सब फिर से सिमुलेट में जाएंगे और रन सिमुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये टाइम ले रहा है कुछ और ये सिमुलेट करके हमको ये ग्राफ दिया। इसको बड़ा करेंगे तो हमको अच्छे से ग्राफ नज़र आएगा। देखिए यही हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ था, ठीक है, ये हमारा ग्राफ आ गया। अब डिफरेंट सिमुलेशन कंट्रोल पे वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब फिर से जाते हैं इसमें, सिमुलेशन कंट्रोल में गए, वैल्यू को और छोटा करके देखते हैं क्या होता है, 0.01 करके देखते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए और हमको बढ़िया से ग्राफ नज़र आ रहा है। हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स करंट क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर 1 - e^(-) क्या आर बाई एल टी, यही होता है, ठीक है। अब हम लोग सब सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, टी इक्वल्स टू क्या है, एल बाई आर। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। अब ये एल बाई आर हम लोग सब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये वी बाई आर 1 - e^(-1) आएगा, ठीक है। तो वी बाई आर क्या है, स्टेडी स्टेट करेंट, ठीक है, 1 माइनस, और e^(-1) क्या होता है, 0.368, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई एस, ठीक है, और ये हमको वैल्यू दे करके जाएगा 0.632, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.632 आई एस। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि टाइम जब हमारा क्या हो, एल बाई आर पे हो, द करेंट थ्रू द आर एल राइजेस टू 63.2%, ठीक है, ऑफ द फाइनल वैल्यू। क्यों, किसका, ये क्या है, स्टेडी स्टेट करेंट, ठीक है, और ये दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, समझे, यही हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। और वो क्या होता है, इन्वर्स ऑफ किसका, आर बाई एल का इन्वर्स होता है, ठीक है। और इसको हम लोग सब डैम्पिंग रेशियो भी बोलते हैं,